मैंने देखा है 80 साल की उम्र में काम करते हुए बंदों को फिट एंड फाइन। सो अपनी सेहत पे ध्यान दें। को आपको लाइफस्टाइल एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो सब इसमें पता लग जाता है। ये वाले कौन है? वो है पीछे वाइट वाले, वहां दो। Hi guys, good morning. Welcome to a new vlog. और अभी सुबह के बज 7:15। स्वयं को कर दिया मैंने स्कूल के लिए रेडी। फिर बना रही उसका ब्रेकफास्ट है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सुबह एडिटिंग के बाद मैं स्वयं को स्कूल छोड़ के आके सो गया था, सो के उठा और उसके बाद मैं जिम आ गया हूँ। तो गाइस मैं यहीं से स्वयं को स्कूल लेने चला जाऊँगा। और दूसरा, मैंने जो ब्लड टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं जो मैं शेयर करूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो बने रहना आप लास्ट तक। सो गाइस, आज का वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है। 20 तारीख को स्वयं का बर्थडे मनाया था और उस दिन हम कहीं घूम नहीं सके थे, तो अभी हमने नेक्स्ट वीक का प्लान किया है। तो उसका जो भी सेलिब्रेशन इन द सेंस कि बारिश की वजह से धुल गया था उसका सारा प्रोग्राम, तो उसको हम नेक्स्ट वीक मूव कर दिया हमने उस प्रोग्राम को। अब नेक्स्ट वीक हम जाएंगे मूवी देखने। सो गाइस, वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं जा रहा हूँ। मैंने डेडलिफ्ट भी किया और वो भी 105 किलो मेरे एट द एज ऑफ 50। तो गाइस, स्वयं को लेने मैं सीधा जिम से यहीं आ गया था और बहुत दुख होता है। भाई माँ जी को गए हुए भी 6 महीने हो चुके हैं। अब 6 महीने में बहुत याद आती है उनकी, बहुत दिल होता है अंदर से कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी खो दिया। विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी और इतनी छोटी उम्र में चले गए। अभी तो मेरी एज कितनी है, अभी तो उन्होंने 70, फादर ने 70 क्रॉस किया था, मदर ने तो 70 भी क्रॉस नहीं किया था। तो इसीलिए बोलता हूँ गाइस, मैंने हेल्थ सीखा है, हेल्थ मेरे को पता लगा है पिछले 2 साल में क्या होती है। तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट और हेल्दी होंगे तो आप बहुत से काम आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते और दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे। और दूसरे की डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म करनी है, वो खुद को आपको फिट करना पड़ेगा। उसके लिए खुद उठो, अच्छा खाओ, व्यायाम करो, स्लीप एंड स्ट्रेस पे ध्यान दो, दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, सुनो सबकी, करो अपनी। और स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस को मेंटेन करें, लड़ाई झगड़े में ना पड़े, अपने आप को खुश रखें, मंदिर में ध्यान लगाएं। अगर आपका ध्यान कहीं नहीं लग रहा तो मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, जहां आप जा सकते हैं धार्मिक स्थान पे जाएं, या आपको जहां शांति मिलती है, जहां सेटिस्फेक्शन मिलती है आप वहां जाएं, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस से बाहर करें। नींद अपनी पूरी करें टाइम से, और ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालेगा आपकी सेहत के ऊपर, फिटनेस के ऊपर। और फिट आप रहेंगे तो आप, क्योंकि मैंने कल मैं किसी का पेरोल बना रहा था और हिज एज इज़ 80 ईयर्स की एज में द पर्सन इज़ वर्किंग और ऑफिस में पूरा ऑफिस संभाला हुआ है। यहाँ 60 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हिंदुस्तान में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 60 की उम्र में रिटायर, उसके बाद फिर बीमारियाँ लगनी शुरू, और उसके बाद 65-70 आते आते इंसान भगवान को प्यार हो जाता है। लेकिन अपने आप में ध्यान रखें। मैंने देखा है 80 साल की उम्र में काम करते हुए बंदों को फिट एंड फाइन। तो अपनी सेहत पे ध्यान दें। सो गाइस, ये मेरा तैयार हो गया प्रोटीन शेक। पी प्रोटीन है, दही में डाल के मैं लेता हूँ उसको। बनाइए दाल, कौन सी दाल? चने की, वहाँ चलेगी। उसके साथ में चावल बनाएगी। सो मेरा दूसरा प्रोटीन जो है ये भी उबल गए हैं, एग बॉयल। तो गाइस, हर्षिता भी कॉलेज से आ गई है और सैलेड काट रही है। तो मैं और हर्षी और सैम हम आए होते पार्क में, वो दोनों साइकिल चला रहे हैं और हम वॉक कर रहे हैं। वो कहाँ चले गए दोनों? कितने अच्छे लग रही है ग्रीनरी ना, चलाते हैं बच्चे ले साइकिल, तभी लेके आए नहीं। मम्मी ये वाले कौन? वो है पीछे वाइट वाले, वहाँ दो। चलिए, यहाँ से इतना लंबा है ना।
जो तूने लगाया है वही प्लांट है। फोन दे देना चाहिए था उसको, उसने गिरा देना था फोन भी, उसने गिरा नहीं देना था। कौन करोगे कहीं आ रही हो तो हम देख रहे थे स्वयं स्वयं और अंश पता नहीं कहाँ निकल गया साइकिल लेके। हाँ उधर बनाई रहेगी क्या डिस्कशन हो रही। चलो मेरे घर अब चलो। तो गाइस हम आ गए हैं पार्क से हर्षी और हमने स्वयं ने आके बनाया बनाना शेक जो पी रहा है वो। चिप्स कुरकुरे खाने से बेटर है कि ये पी लिए ढंके चीजें। स्वयं अपने टेस्ट की तैयारी कर लो यार कि स्वयं का एग्जाम है कल उसकी तैयारी करो बेटे बैठ के। चलो अब सगाई सब देख रहे हैं हम अपना ब्लॉग और गाइस चुप। तो गाइस स्वयं का बर्थडे तो सेलिब्रेट हो गया पर इन दोनों की कुश्ती नहीं खत्म होती दोनों बहन भाई की। और स्वयं को आज काम मिला है लर्निंग का कर नहीं रहा। ऐसे लेट के कौन पढ़ाई करता है बैठ के कर लेता हूँ तो बैठ के करनी चाहिए। सो गाइस देखो खाली खाली है हमारी नो टाइम टेबल। अब दोबारा लगेगा यहाँ पे पोस्टर तो अगला टारगेट लगाएगा अपना। सो गाइस जैसे मैंने बताया था मैंने ब्लड सैंपल दिया था रूटीन ब्लड चेकअप था। मेरा विटामिन डी जो है 50 आया है। मेरा विटामिन B12 जो है थोड़ा सा डाउन है। CRP मेरा अंडर कंट्रोल है। इंसुलिन फास्टिंग है वो भी 3 के आसपास है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेरा 367 आया सो इट्स अ गुड नंबर एट दिस एज। आयरन में थोड़ा सा डेफिशिएंट हूं। कोलेस्ट्रॉल मेरा ट्राइग्लिसराइड्स लास्ट टाइम जब मैंने टेस्ट कराया था तो 300 के आसपास आया था। सो अभी कोलेस्ट्रॉल जो है मेरा 180 आया है। और HDL जो मेरा उस टाइम पे कम था इस टाइम भी HDL इंक्रीज हो गया 52 आ गया। तो मेरा जो ट्राइग्लिसराइड टू HDL रेशियो है बिलो 3 होनी चाहिए और इन्हीं चीजों पर मैं काम कर रहा हूँ कुछ टाइम। और लिवर इज ओके, किडनी इज ऑल्सो ओके, किडनी में कोई इशू नहीं है सिर्फ एक छोटा सा इशू है बन। थायराइड इज ओके। HbA1c मेरा पिछली बार 4.8 था तो इस बार 4.1 है विद फास्टिंग ग्लूकोज 94। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम टू टाइम आप अपने भी ब्लड चेकअप करवाएंगे। जब आप अपना ब्लड चेकअप करवाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आपकी बॉडी में जो भी रूट कॉजेज हैं आपकी हेल्थ रिलेटेड जो भी रूट कॉजेज हैं उस पर हमें काम करना है। तो रूट कॉजेज कैसे पता लगेंगे वो ब्लड चेकअप आप जब करवाओगे और फिर उसके बाद अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर और डॉक्टर से आप कंसल्ट करें फिर वो आपको गाइड कर देंगे फर्दर कि उसको कैसे आपको ठीक करना है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं भी डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, मैं भी हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करता हूँ क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सो ब्लड चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है और इंसुलिन फास्टिंग उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। जब भी आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवाएं उसमें इंसुलिन फास्टिंग के साथ में विटामिन डी और विटामिन बी ये दोनों आप जरूर चेक करवाएं क्योंकि इसी से ही आपका काफ़ी हेल्थ का क्राइटेरिया पता लग जाए को आपको लाइफस्टाइल एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो सब इसमें पता लग जाता है। आप ध्यान दें अपनी हेल्थ के ऊपर क्योंकि व्लॉग जो है मेरे ये जो सीरीज है इसी के बारे में है कि मैंने अपनी हेल्थ जो पहले मैंने खोई थी उसको मैं कैसे धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। सो गाइस इस व्लॉग को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ईट हेल्दी, कीप मूविंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव। बाय।